हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय स्टडी सेंटर। तो आज आम आलोचना करवा जोटा कि ओएफएस टीजीटी ओडिया जो सिलेबस रही तार सिलेबस रो प्रत्येक चैप्टर को आम आलोचना करवा। तो आज प्रथम दिन में आम आलोचना करवा जोटा कि काव्य विभाग रही। काव्य विभाग में तीनो काव्य रही, गोटे रोला आम मथुरा मंगल, गोटे दरबार एवं गोटे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। तो तीनो काव्य को आम आलोचना करवा, कि आज जो प्रथम दिन रोचे एम आलोचना करवा मथुरा मंगल काव्य। मथुरा मंगल काव्यर रचयिता होती भक्तचरण दास, जोटा कि रीतिज्ञ काव्य परंपरार जड़े भक्ति रसामृत पंडित तथा भक्ति रसामृत जड़े कवि। प्रेम भक्ति मार्गर श्रेष्ठ निदर्शन देखा सत्वे ए जगह विभिन्न प्रकार आम देखा पाई जे रीतिज्ञ काव्य परंपरार प्रेम मार्गर प्रलम्बन घटी, किंतु से जगह केते गुड़े दैहिक प्रेम कथा कहुई केते बेले राधाकृष्ण प्रेम कथा वर्णना करा जाउछि, केउथि कृष्ण गोपी कथा वर्णना करा जाउछि। तो जेहेतु जने वैराग्य चेतनामूलक कवि भाव ए जगह कवि दीनकृष्ण दास सरी कवि भक्तचरण दास जेहेतु ए जगह आसुछन्ति, तांकर काव्य कवितार जेहेतु जने वैराग्य कवि से वैराग्य भावनार जो गोपी एवं कृष्ण प्रेम रही ए जगह वर्णना करने चाहते। तो ये जगह जो वर्णना टी रही, तो आगर मु संक्षिप्त भाव में मो भक्तचरण दास विषय संक्षिप्त टी सूचना देवी, जे कि रीतिज्ञ काव्य परंपरार जड़े कवि जोटे कि रसमय कविता रचना कर रीतिज्ञ काव्य परंपरा को रसायणित कर। तो से कवि जन्म हुए 1700 केतेक मतरे 1729 केतेक मतरे विभिन्न मानक विभिन्न आलोचक मानक मतरे भिन्न भिन्न रही सत्वे आम ताकू 1600 शताब्दी बेलक आम ग्रहण करे जगह 1780 देखिए कोई जगह विभिन्न मतरे भिन्न भिन्न रूप से आलोचना कर। तो जन्म कथा को आम न नहीं कि जन्मस्थान विषय प्रायतः के प्रश्न आसी न थे। तो कवित्वर सारल्य शोभित सुषमार भक्तचरण प्रतिभा जोटा रही यथार्थे रस संयोग करल्यमान करवि भक्तचरण दास जो रीतिज्ञ काव्य परंपरार जो विशेष भाव जो वर्णना बहुलता रही से अनुसरण कर विभिन्न जो अलंकार प्रयोग से जगह आम देखा पाई। तो वैष्णवीय संप्रदायर जड़े कवि भाव ए जगह भक्तचरण दास को आम जाणी थोर अन्न्य रचना गुड़ी जब देखा कला कले बड़ चौतीसा, मनबोध चौतीसा, गोपमंगल, मथुरा मंगल, ए प्रकार अनेक गुड़ी रचना रही। तो जो सर्वश्रेष्ठ कृति हूँ मथुरा मंगल। मथुरा मंगल काव्यर कथा वस्तु जदि आम देखा ए जगह कृष्ण को छल क्रमे से जगह को मथुरा को आमंत्रित कर कंस अग्र हाथ में संवाद प्रेरण कर जगह धनुत्सव करुच्चनुत्सव डाकुच। तो सी आम विषय वस्तु आड़क टे जा कौन रही मथुरा मंगल विषय वस्तु। तो यह जगह जदि देखा कौ जगार जो कवि कथा कहला ताकि छाड़ीदे। तो कवि जो रचना रही जोटा कि 30 कोटी छांद मथुरा मंगल काव्यटी वर्णना कर। मथुरा मंगल काव्य कौन कौन रही, श्रीकृष्ण तीनो धाम प्रिय धाम कथा कह गोटे हूँ द्वारिका, गोटे हूँ मथुरा और गोटे हूँ गोकुल। तो ये तीनो धाम मध्य सब श्रेष्ठ धाम हूँ गोकुल धाम, सब अधिक जेटा जनप्रिय। तो सी से पुणी गोकुल धाम समस्त मध्य जो श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर जगह कहुई। तापर कलिरूप कंस और तहार अनुचर मान द्वारा मथुरार पवित्र भूमि प्रपीड़ित होता जे कलिरूपी कंस जिते बिल मथुरा नगर में राजा रही। तो से समय से मथुरा नगरी कलुषित होता। तो सही ठारे श्रीकृष्ण गमन एवं से मथुरार जो मंगल विधान करिवार नियम जेहेतु रही तेणुक काव्यटी ना मथुरा मंगल रखा जाता। प्रथम कथा काव्यटी मथुरा मंगल रखा गला कहीं
प्रथम जोटा रही श्रीकृष्ण जिते बेले सर्वजनकर मंगल कामना पाई से जगह कली रूपी कंस को बध कर से जगह मंगल विधान कर काव्यटी ना मधुरा मंगल रखा जाए प्रथम कथा। द्वितीय तो आम देखु मंगल विधान जेतु कर तो श्रीकृष्ण मथुरा मंगल श्रीकृष्ण विभिन्न लीलात्मक वर्णना रही विभिन्न लीला खेला ए जगह आम देखा पाइ तो कौन कौन रही बाल्य पौभंड कैशोर आदि जो अवस्था गुड़ाक रही से सब ए जगह वर्णना करल क्रमे किपर से छोट रू बड़ होती कथा से सब वर्णना रही तो तीस गोटे छांद मध्य या आलोचना करोटे कि श्रृंगार वीर एवं करुण रसर प्लावन आम कहीपर मथुरा मंगल काव्य श्रृंगार रसर जपर वर्णना करुण रसर वर्णना रही बेले के जगह वीर रसर वर्णना से जगह देखा पाइ तो काव्य पाठ कले जना जाए काव्यटी के करुण रसाश्रित जगह कृष्ण गोपपुर छाणी मथुरा को जाऊ समय गोपी मैंने कृष्ण को अन गोटे करुण भाव किपर आस कथा को जगह से दे तो ये करुण रसर आधार होती बात्सल्य श्रृंगार रस करुण रस मुख्य से जगह थी सत्वे बात्सल्य रस एवं श्रृंगार रस ये जगह आधार कर गोपी भजिला भक्ति प्रेम भक्ति ये गोपी भक्तिर रस आस्वादन करने अर्थ कवि निजे गोपी भाव अनुप्राणित कर एवं से विरही वृंदावन चंद्र गोप मान गोपी मान प्रति निष्ठुर भाव दर्शाई विषय मान वर्णना कर जगह कवि निजर स्वभावोक्ति कवि निजर सहृदय व्यथा को यह जगह से वर्णना कर तो विभिन्न प्रकार जगह आम देखा तो प्रथम छांदर जो विषय वस्तु रही कौन रही प्रथम आम आलोचनार विषय वस्तु प्रथम छांद अनेक गुड़े तीस कोटी छांद को आम आलोचना करना आम गोटे छांद को प्रथम आलोचना करवा तो प्रथम छांद कौन थी जो मध्ययुगीय काव्य परंपरार रचना को आखि आगे रखी ए जगह कवि रचना जेहतु कर प्रथम छांद कौन रही प्रथम छांदर नियम मंगलाचरण रहा कथा तो मथुरा मंगल सी मथुरा मंगल काव्यर निर्विघ्न समाप्ति मथुरा मंगल काव्यटी को अति सुंदर भाव वर्णना कर मथुरा मंगल काव्यटी को निर्विघ्न परिसमाप्त करने जगह कवि ए जगह करथम छंद मंगल विधान जो थे कि भव कलुष पर हरिनाम कीर्तन पूर्वक श्रीकृष्ण स्तुति कर जगह देखा पाई तापरे तत्पर आम देखु दुर्मिला नंदन जी की कंस उत्पीड़न सुर नर मान जो आतंक उभयंकर दुख निवारण अर्थे असुर मानकर निधन सहित ब्राह्मण ब्रह्मांकर क्षीर सगर सही विष्णुंकर प्रार्थना दयानिधि भगवान जो कृष्ण बा कंस दमन निमित्त नरक नरक नवपर धारण पूर्वक वसुदेव गृह जन्म नेवा नहीं देव को अभयवाणी देवा तासहित देवता मान सानंद प्रत्यावर्तन श्रीकृष्ण देवकी उदर जन्म एवं कंस अभय वसुदेव कृष्ण को गोपर स्थापन करने कथा बालक कृष्ण द्वारा उतुना कुणा शकटा अगा आदि विभिन्न असुर निधन कथा वर्णना करपर कालिया दनर कथा ये जगह वर्णना करपर वरुण नंद को मोचन वरुण राजा ये वरुण नंद राजा को दुख पीड़न करोचन करवा रक्षा करवाटापर इंद्र बिवाद रे गोवर्धन उत्तोलन गोवर्धन पर्वत टेकी कथा कहुपर गोपी वस्त्र हरण कथा कहुता सहित केशी मंथन प्रभृति विस्मयकर क्रियाकलाप मान जोटार कृष्ण को मथुर आमंत अक्र को अनुरोध कर आज्ञा पत्रिका जोटा कि रही अक्र गोपगमन उद्योग सहित जागरण कंसर भय सर्वत्र कृष्ण रूप और स्वप्नर अशुभ दर्शन कथा प्रकृति जोटा रही प्रथम छंद रही
प्रथम छंदर विषय वस्तु को आम आलोचना कला कौन कौन रही तो चलत देखा से प्रथम छंदर कौन रही आवृत्ति मध्यम करेत मुझे जड़े गायक नुहे तथापि चेष्टा करी कि गायबापी हाँ जोटा मथुरा मंगल प्रथम छंद जोटा रही राग हूँ चक्रकेली राग एवं चक्रकेली रागरे गायन करार दि जा प्रथम कतोटी पंक्ति ये जगह मु आलोचना करी गोटे दीटी पंक्ति विशेष तो आलोचना करहब ना आसतु आम आरंभ करवा जोटे कि रीतिजुग्य काव्य परंपर इष्टदेव वर्णना करनान्य जो कवि मैंने जो वैष्णव कवि मैंने जगन्नाथ को अवतारी भाव में चित्रण नक श्रीकृष्ण को ही वंदना कर वैष्णव जनक श्रीकृष्ण महिमा प्रख्यापन कर श्रीकृष्ण को स्वयं भगवान भाव ग्रहण कर लीला वर्णना यह जगह करविखनी कौन सी कौन देख आरंभ करवा यार गायन कौन रही चक्रकेली राग किपर गायन कर संक्षिप्त गायबि जहाँ मोर जिते मोर चेष्टा हो देव जय गोविंद गोकुल सुंदर जय राम जनमोदर जय कंसरी जगतोदर जय ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଏ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିପରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋକୁଳ ସୁନ୍ଦର ଦାମୋଦର ତାପରେ କଂସାରୀ ମାଧବ ରମାରମଣ ଦୈତାରୀ ପୀତବାସ ପକାରୀ ମୁରାରୀ ଭଗତ ବତ୍ସଲ ମୋହନ ନୃସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଓ ଆଦି ଅନାଦିର ନିରାକାର ତାଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେ ସର୍ବାତ୍ମାର ଆତ୍ମାର ସେ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣର ରକ୍ଷାକାରୀ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ
ब्रह्मा चतुर्दश भुवन रचना करिछंती तांगर आज्ञा रे इंद्रचंद्र सूर्य आदजात होचंती से बाबग्राही से भवकलुषर उद्धारकर्ता तईपरि भावरे मथुरा मंगल काव्यरे प्रथम जो आवृत्ति रहिछि प्रथम रे किपरि भावरे श्रीकृष्णंकर अस्तित्व बा श्रीकृष्णंकर वर्णना बा श्रीकृष्णंकर महात्म्य प्रक्षेपण करिछंती तांगर गुणगान ए जगरे करा जाइछि भगवान श्रीकृष्णंकर को संबोधन करि ताको जगरे आम आलोचना कला परवर्ती पर्यायर आम विस्तृत रूप से काव्यटी को आम आलोचना करवा आज संक्षिप्त समय किसी आलोचना कला आशा करीडियोटे समस्त भल लगे तेणुक समस्त बंधु चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करूँ ये प्रकार नौ नौ भिडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर आज मथुरा मंगल को आलोचना कला प्रथम कर आम ओडिया ओ एस जहाँ सब चैप्टर अच्छे विस्तृत भाव आलोचना करें समस्त को